लोगों की मदद हो सकती है, इंदिरा आवास से लेकर पेंशन से लेकर जो जो चीजें हैं पहले उसको चालू करना। आप नंबर दे दीजिए अपना। इंदिरा आवास के तहत आ जाए ब्याह तड़े रहा सब इंदिरा आवास मिले रहा हम कहाँ जाए ब्याह तुम नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देसवा न्यूज। चिराग पासवान युवाओं का नेता माने जाते हैं, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और युवाओं के दिल पर राज करते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हां, चिराग पासवान का आए दिन आप मदद करने की तस्वीरें देखते होंगे जहां पर वो लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ देर रात कुछ ऐसी घटना घटी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से चिराग पासवान की जो काफिले की गाड़ी है वो आधी रात को मुजफ्फरपुर से जब पटना वापस आ रही थी तो लालगंज के सड़कों पर रुक जाती है और वहां क्या कुछ निकलकर सामने आता है, हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं फिर बताते हैं विस्तार से। कितना स्पीड में आप रिक्शा चला रहे थे? कितना स्पीड में चला रहे थे? ये शॉर्ट के फिर में हम मोर जाएंगे तो मोर जाएंगे बाकी छोड़ रोड पे गाड़ी लग रहे थे। कहां गांव का हुआ सर? राजीव राजीव आ गया, आ गया। ए संतोष जी के साथ फोटो खींच दीजिए। राजीव नंबर लो इनका, संतोष जी का, और नंबर लेकर कल हमको बताओ विभाग जो जो भी मदद हो सकती है, इंदिरा आवास से लेकर पेंशन से लेकर जो जो चीजें हैं पहले उसको चालू करो। आप नंबर दे दीजिए अपना। इंदिरा आवास के तहत आ जाए ब्याह तड़े रहा तब इंदिरा आवास मिले रहा हम कहाँ जाए ब्याह तुम हम करवा हो जाएगा। नंबर लिखो इनका, बात कर दो। 7936 हो जाएगा। जी हाँ, तो आपने तस्वीरें देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान आधी रात को अपने गाड़ी से नीचे उतरे हुए हैं और एक व्यक्ति से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि जब व्यक्ति को पता चला कि चिराग पासवान की काफिला जो है वो लालगंज से गुजरने वाली है तो व्यक्ति ने चिराग पासवान के काफिले के सामने आ गया, जिसके बाद वो अपनी गंभीर मुद्दों को चिराग पासवान के सामने रखा और मदद मांगी, जिसके बाद चिराग पासवान ने उस व्यक्ति को आश्वासन देते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहे कि हम आपकी पूरी संभव मदद करेंगे, आप मेरे देश की जनता हैं और मेरे जनता हैं। उसके बाद व्यक्ति ने साफ तौर पर चिराग पासवान से कहा कि हम जब भी हम घर मांगने जाते हैं सरकार से तो वो कहती है कि पहले आप शादी कीजिए सर, और मैं विकलांग हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा। जिसके बाद चिराग पासवान ने आश्वासन दिया कि हम आपको घर उपलब्ध करवाएंगे। आप इससे पहले भी चिराग पासवान की ऐसी कई तस्वीरें देखे होंगे जब चिराग पासवान सड़कों पर घंटों खड़े रहते हैं और उनके काफिले की जो गाड़ियां होती है वो किसी व्यक्ति को लेकर कभी सदर हॉस्पिटल तो उनके घर पहुंच जाती है और चिराग पासवान अपने ही गाड़ी का सड़कों पर काफ़ी देर तक खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं। यही कारण है कि चिराग पासवान बिहार के युवाओं के दिल पर राज करते हैं और बिहार के युवाओं का नेता माने जाते हैं। फिलहाल देसवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देसवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।